हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चने की सिंपल सी सब्जी, जो रूटीन में हम घर में खाते हैं। तो वो वाली सब्जी बनाएंगे जो बनने भी बहुत इजी होती है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, एंड साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन वाइट चनों को सारी रात यानी 6 से 8 घंटे तक पानी में भिगो के रख लेंगे। तो यहाँ ये देखें, मैंने जो चने थे वाइट, उनको सारी रात पानी में भिगो के रखा है। तो जब भी हमने चने भिगोने हैं तो ध्यान रखें ये चने जो है प्रॉपरली पानी में डिप होने चाहिए। तो ये रात भर भिगोने की वजह से ये देखें ऐसे फूले फूले हो गए हैं। तो अब सबसे पहले हम इन चनों को बॉईल कर लेंगे यानी उबाल लेंगे। उसके लिए मैंने चनों को प्रेशर कुकर में डाल दिया। तो जैसे मैंने एक बाउल चने का लिया था, उसी बाउल से मेयर करके मैंने 6 या 7 बाउल जो है पानी के डाल देने हैं। अगर आपने चने जो है चावलों के साथ खाने हैं तो आपको थोड़ा पानी ज़्यादा डालना है, नहीं तो 6 बाउल पानी के डालने हैं। और साथ में मैंने डालना है इसमें ये सफ़ेद नमक। तो ये मैंने 2 चम्मच यानी 2 स्पून नमक के डाल के प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा के बॉयल करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ ये देखें, मैंने चनों को बॉयल करने के लिए प्रेशर कुकर में डाल के रख दिया। एक स्टीम आने के बाद हमने प्रेशर कुकर के नीचे से गैस जो है उसको स्लो कर देना है, और उसके बाद हम 40 मिनट यानी 40 मिनट तक स्लो गैस पे चनों को बॉयल करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक चने बॉयल हो रहे थे तब तक मैंने तड़के की तैयारी की है। तो यहाँ मैंने 3 से 4 प्याज जो है उनको ब्रीक ब्रीक काट लिया, और साथ में मैंने ये 3 से 4 टमाटर लिए हैं उनको ब्रीक ब्रीक पीसेस में काट लिए, और जो हरी मिर्च ली है मैंने उसको मैंने ऐसे सिर्फ बीच में से कट लगाया। तो ब्रीक ब्रीक नहीं काटा, क्योंकि कई बार हमारा दिल नहीं होता हरी मिर्च खाने का, तो हम उसको फिर निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये देखें, मैंने प्रेशर कुकर को खोला है, तो चने जो हैं ये प्रॉपरली बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम चने को तड़का लगाएंगे। उसके लिए मैंने गैस पे एक नॉनस्टिक कढ़ाई रखी है, उसमें हम डाल देंगे 1 कड़छी रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मुझे कम लग रहा था, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। तो ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग पाउडर, उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा। इसके बाद हम ब्रीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, और इसको हलाते हुए ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो यहाँ जो प्याज है वो हल्का रोस्ट हो गया। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो मैं यही यूज़ करती हूँ ज़्यादा, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हलाते हुए थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक। कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने ऑलरेडी नमक जो है बॉयल करते वक्त चनों में डाल दिया था, इसलिए नमक जो है हम थोड़ा कम ही डालेंगे। इसको हिलाते हुए हल्दी को हम थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि कच्ची हल्दी जो है वो जब हम खाना खाते हैं तो हाथ पे लगती है, इसलिए हल्दी को रोस्ट करना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें जो है ब्रीक कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च हम डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे,
और टमाटर को ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। हमने नमक डाल दिया है तो ये आराम से जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ ये देखें टमाटर जो पक चुका है, अब इस स्टेज पे हम इस पे डालेंगे ये बॉईल किए हुए चने। थोड़े से चने जो हैं इनको हम ऐसे करके थोड़ा सा इसमें दबाते हुए मिक्स कर लेंगे। उससे क्या होता है जो हमारी ग्रेवी बनती है उसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। तो सारे चने हम इसमें डाल के इनको 10 से 15 मिनट जो है गैस पे पका लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे चने जो हैं इसमें डाल दिए, तो ये देखें प्रॉपर जितना मैंने पानी बोला था उतना ही पानी डाला है। तो इससे प्रॉपर चने इस मेयरमेंट से बनके तैयार हो जाएंगे। अब इसको हम बॉईल होने के बाद 10 से 15 मिनट जो है धीमी गैस पे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ चनों को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखें। अब इसमें हम डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से गर्म मसाला। गर्मी का मौसम है तो थोड़ा कम ही गर्म मसाला डालना चाहिए। और नीचे से हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमारे चने जो है बनके तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली ये हमारी व्हाइट चने की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो ये देखें कितनी सुंदर लग रही है। तो ये सब्जी देखने में जितनी सुंदर लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होगी। तो आप इसी तरीके से इस सब्जी को बनाएं। एंड बाय बाय।